हाय मॉर्निंग। सो फिर से हैप्पी न्यू ईयर। अभी भी 1 जनवरी 2024 चल रहा है। जैसा मैंने कहा, लास्ट वीडियो था मेरा MGM वाशी को लेके, जिसका पहला साल है, और ये वीडियो है उसी से मिलता जुलता। तरना मेडिकल कॉलेज नेरूल, जो कि उस कॉलेज से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे था, और मैं शायद उस वीडियो में बात बताना भूल गया, लेकिन जो MGM वाशी का जो कॉलेज खोला गया है, उसका जो अस्पताल अटैच्ड है, वो सेम बिल्डिंग में नहीं है, और सेम लॉजिक है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस कॉलेज के अंदर कोई अस्पताल नहीं है, और इसका जो अटैच अस्पताल है वो नवी मुंबई का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अस्पताल है नेरूल का, वो अटैच है। देखिए, मुंबई एक बड़ी यूनिक जगह है, और शायद इसलिए NMC बार बार नए नए रूल ला रही है, और एक रूल ये भी लाया गया है ना कि कॉलेज और अस्पताल एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली जब खोले गए थे तो कभी कभार यही कॉलेज अस्पताल से ज़्यादा नहीं पर आधा एक किलोमीटर की दूरी पर है, बट भाई स्टूडेंट्स के हिसाब से कभी कभार वो 2 किलोमीटर भी बहुत बड़ा फासला हो जाता है, और पढ़ने वालों के लिए वो 2 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते थे कि मेडिकल कॉलेज तो अलग है, और ये तो है नहीं कि आपको क्लास के बीच में उठ के वहाँ जाना है, तो जब आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी तब आप उठ के वहाँ चले जाओगे, राइट। हाँ, NMC कहती है कि वो एक ही बिल्डिंग एक ही कैंपस में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब पुराने चलते आ रहे हैं। ये तरना तो 30 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, MBBS की पढ़ाई कराता है, जैसा मैंने कहा मेन बॉम्बे शहर में है, महाराष्ट्र इज़ ए क्लोज स्टेट, सेम बातें कि 8 लाख फीस जनरल कैटेगरी, 3.5 लाख OBC SC ST फ्री, तो कोई सीट को छोड़ता नहीं है, कट ऑफ बहुत हाई जाती हैं, और IQ कोटा NRI कोटा यहाँ पर होता है, जहाँ 40 लाख रुपए फ़ीस पड़ती है, और वो सीटें सबके लिए ओपन है अक्रॉस इंडिया। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं और आप 40 × 4.5 प्लस हॉस्टल 2 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर नेगोशिएशन भी होती हैं, उसमें हम हेल्प करती हैं, जो हमारा 1.5 लाख वाला पैकेज होता है उसके अंतर्गत। और अगर आपके मार्क्स कम है लेकिन आपको अच्छे जगह पढ़ना है, अच्छी लोकेशन पे पढ़ना है, पुराने मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, और जैसा कि मैं खुद ही पेरेंट्स को कहता हूँ कि हमारे बच्चे के नंबर कम आए लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो सारे 500+ नीट वाले हैं, विच मीन्स कंपनी बच्चे को अच्छी मिलेगी। सो कभी कभार ना IQ कोटा NRI कोटा लेने का फ़ायदा यही रहता है कि हमारे नंबर कम आ गए, बच्चा हमारा लायक था लेकिन पेपर में गड़बड़ हो गई, बट हम नहीं चाहते कि वहाँ जाएँ जहाँ सारे 200 नंबर वाले हैं, करेक्ट। तो ये वो कॉलेज होते हैं जहाँ बाकी बच्चे आते हैं 500 प्लस वाले, 500 में कभी बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स SC ST के आप जानते हैं नंबर थोड़े कम होंगे, लेकिन वो उनके भी क्रीम होती है SC ST में ना, क्योंकि देखिए बाकी जगह क्या होता है कि हरियाणा की मैं बात बताऊँ फिर से, हरियाणा में 50% सीटों में SC ST रिजर्वेशन है, राजस्थान के स्टेट कोटा में SC ST रिजर्वेशन है, बट चूँकि कुछ फीस माफ़ी नहीं होती, तो कोई 500 नंबर वाला SC है या 450 नंबर वाला SC है वो सीट नहीं ले पाता, तो सीट लेते हैं फिर पैसे वाले, जो 150-125 नंबर वाले भी होते हैं। मैं तो कहूँगा कि जो जस्ट नीट क्वालिफाइड होता है, कैटेगरी क्वालिफाइड, उनको भी मैंने देखा है राजस्थान के टॉप कॉलेज में जाते हुए बिकॉज ऑफ दी SC कोटा, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर चूँकि फ्री है तो कोई छोड़ेगा नहीं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं, सीधे स्टूडेंट पढ़ते हैं जो पढ़ाई में ध्यान देना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हाउ डू यू फाइंड अ गुड मेडिकल कॉलेज, कि पहली बात तो ये है कि कॉलेज में बेसिक इंफ्रा हो, प्रोफेसर्स आते हों, प्रोफेसर्स पढ़ाना चाहते हों, जो अटैच हॉस्पिटल है वहाँ पेशेंट फ्लो हो, जो कि सारे सरकारी में मोस्टली होता है, प्राइवेट में बल्कि कम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो जैसे इस कॉलेज में तो तरना में तो सरकारी से अटैच कर रखा है तो कमी है ही नहीं, MGM में तो उनके खुद के अस्पताल चलते हैं, कोई कमी है ही नहीं, DY पाटिल में भी यही होने वाला है कि कॉलेज अस्पताल दोनों हैं, तो किसी भी पैरामीटर में यहाँ पर कमी नहीं है। बल्कि इस कॉलेज का एक फ़ायदा ये रहता है, अगर जो बच्चे 15% लेना चाहते हैं कि भाई आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, और मैं सच बताऊँ इवन महाराष्ट्रियंस के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र इज़ ए क्लोज स्टेट, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग जाने वाले हो या लातूर जाने वाले हो या उस कॉलेज में जाने वाले हो जो उसकी बड़ी ऑफ लोकेशन है, जहाँ पर कोई आराम नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, ज़बरदस्ती कॉलेज खोल दिए गए हैं, अस्पतालों में कोई फैसिलिटी नहीं है, प्रोफेसर्स आते नहीं हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स के लिए भी वहाँ रहना अच्छा नहीं है, तो खासकर अगर आप जनरल OBC कैटेगरी के हो तो यार 4 लाख रुपये साल की फ़ीस है यहाँ पर, मतलब आपका काम 25 लाख में हो जाएगा, हॉस्टल मिला के हॉस्टल तो वहाँ भी देना है, तो 18 लाख रुपये फालतू खर्च करके यू कैन एक्चुअली लिव इन न्यू बॉम्बे एंड यू गेट द बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट लर्निंग, NEET PG या नेक्स्ट कॉलेज उसकी तैयारी का जो आराम है वो रहेगा। तो MBBS में जो लास्ट ईयर मैंने आपको वीडियो से बताया, मेरे कई लोगों ने पसंद किया, और मेरा वीडियो सुन के कई लोगों ने सरकारी छोड़ के प्राइवेट लिया, और उन्होंने तो खैर कस्तूरबा लिया था जो कि 1 करोड़ का पैकेज है, पर महाराष्ट्रियंस के लिए ये टिप है कि तब आपकी फ़ीस इतनी सस्ती है स्टेट कोटा की कॉलेजेस में प्राइवेट की, सो आपको तो सिर्फ और सिर्फ टॉप क्वालिटी कॉलेज देखना चाहिए, आप सरकारी छोड़ के प्राइवेट, तो आपके कौन से कुछ बहुत पैसे जाने वाले हैं,
चैनल कैटेगरी में भी 40 लाख में, तो 40 लाख भी छोटी रकम नहीं है, बट सरकारी में भी शायद 1.25 लाख तो फीस, अगर आप एक बार ढंग से वो करेंगे तो देखिए सरकारी भी अगर आपको बॉम्बे कॉलेज मिल रहे तो कोई तो दिक्कत की बात है ही नहीं, पूना के मिल रहे हैं, नागपुर के मिल रहे हैं, लेकिन अभी लातूर जाना है, जो नया कॉलेज खुला अली बाग में वहाँ जाना है, इस तरह जो 2-3 साल में नए कॉलेज खोलेंगे जहाँ भी दीवारें भी नहीं खड़ी हैं, और उसके मुकाबले अगर आपको केजे समाजा मिल रहा है या तरना मिल रहा है, मैं जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ, टेक अ कॉल कि आपको कहाँ जाना है। और बाहर वालों के लिए भाई अफोर्ड कर सकते हैं, नंबर बहुत कम आ गए, 140-150 की रेंज में है, तो हम इन कॉलेज का आई क्यू कोटा की बात कर सकते हैं। ओके, इसी तरह की ताकि हम आपकी हेल्प करें और इस तरह आपको सटीक बढ़िया सलाह दें ताकि आप बेस्ट और ऑप्टिमल मेडिकल कॉलेज में पहुँचे। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा विजन रहता है हर बच्चे को ऑप्टिमल मेडिकल कॉलेज में भेजना। 9643362320 हमारा नंबर है, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैं रिपीट करता हूँ हर वीडियो में लास्ट में, ना हम टेलीकॉलिंग करवाते हैं, ना SMS भेजते हैं, ना आपके दिए फ़ोन को कॉल बैक करते हैं जब तक हमारे क्लाइंट ना बन जाएं। सो हम बात करने के भी पैसे लेते हैं, 2500 रुपये फ़ोन पे बात करने के, 5000 रुपये फेस टू फेस मीटिंग के, और उसके बाद जैसे आपके नंबर है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हमारा फुल पैकेज होता है MBBS का। वो वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा ताकि आप देख लीजिए और सोच समझ के हमें कॉल कीजिए, 2500 रुपये भी क्यों ख़राब करें अगर आपको हमसे काम नहीं कराना है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग आपको दिख रही थी, लंबी चौड़ी बिल्डिंग है तरना मेडिकल कॉलेज की नेरूल, ये प्रॉपर जैसे आप नवी मुंबई जिसको हम बोलते हैं, आपने वाशी ब्रिज क्रॉस करा, पहली कॉलोनी वाशी आती है जिसमें वो MGM था, दूसरी ही कॉलोनी नेरूल है, इसको नेरूल बोलते हैं, बिल्कुल बसी हुई है, लोग ही लोग हैं चारों तरफ जैसा होना चाहिए बॉम्बे में जो होता है, और नेरूल में ही तारना है और नेरूल में ही DY पाटिल नवी मुंबई है। अब उसको ढूंढेंगे और फिर मैं निकल जाऊँगा पूना की तरफ जहाँ मुझे रात को स्टे करना है, और मैं आपको DY पाटिल पूना भी दिखाऊँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।